ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी के बीच सीट को लेकर फंसी बात। सीटें फाइनल के बाद गठबंधन की होगी घोषणा। राजभर के प्रभाव का आकलन करने के बाद तय होगी सीटें। पूर्वांचल की 28 लोकसभा सीटों पर राजभर का है दबदबा। तेईस जून को पटना में होने वाली महागठबंधन की बैठक में शामिल होंगे उद्धव ठाकरे। बैठक में शरद पवार भी करेंगे शिरकत। विपक्षी दलों की बैठक पर संजय राउत का बड़ा बयान। लव जिहाद पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्त कड़े कदम उठाने का दिया संकेत। कहा, हम उत्तराखंड का मूल स्वरूप नहीं बिगड़ने देंगे। बिहार, यूपी, ओडिशा में भीषण गर्मी का कहर जारी। 100 से ज्यादा लोगों की मौत। यूपी में 20 जून के बाद मानसून आने की संभावना। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या। भारत के वांटेड लिस्ट में था शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने है, जहां पर दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से बदला है मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर में दिखा है विपरजॉय का असर। झमाझम बारिश से मौसम हुआ है खुशनुमा। बारिश से लोगों को मिली है गर्मी से राहत। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर दिल्ली एनसीआर में दिखा है विपरजॉय का असर और इस दौरान सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि झमाझम बारिश की वजह से मौसम भी खुशनुमा हो चुका है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, साथ ही बता दें कि बारिश से लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है और आपको बता दें कि सुबह से ही बारिश शुरू थी, जिस वजह से मौसम का मिजाज बदल चुका है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसी के साथ ये भी जानकारी दे दें कि दिल्ली एनसीआर में दिखा है विपरजॉय का असर, जहां पर झमाझम बारिश की वजह से मौसम खुशनुमा हुआ है। और इसी के साथ ये भी बता दें कि बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली एनसीआर में बदला है मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर में दिखा है विपरजॉय का असर, झमाझम बारिश से मौसम हुआ है खुश। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रवीण मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवीण, लगता है कि दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से बारिश हो रही है, विपरजॉय का असर? जी बिल्कुल, देखिए पंकज, आपको बता दूं, लगातार जिस तरह से अभी पूरे दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में जिस तरह से गर्मी से लोगों को काफी परेशानी हो रही थी, जिस तरह से चुपती, मतलब कह सकते हैं कि झुलसती हुई जो गर्मी थी वो लोगों को खासा परेशान कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में सुबह से जिस तरह से मौसम ने करवट ली है तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी राहत मिली है। वहीं अगर बात करें जिस तरह से एकदम ठंडी हवाएं, यानी लोग काफी खुशनुमा, मतलब यानी लोगों के चेहरे पे खुशी साफ साफ तौर पर देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें जरा सी बारिश में, कहीं ना कहीं जो आज सोमवार का दिन है, यानी वीक का अब ये वर्किंग डे है, तो जिसमें जाम की भी स्थिति देखने को मिली कहीं ना कहीं, लेकिन जो गर्मी थी, गर्मी से लोगों को राहत तो मिली, लेकिन अब जो थोड़ी बहुत बारिश हुई है उससे थोड़ी उमस बढ़ गई है, जिससे लोग अभी थोड़ा परेशान हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो मौसम ने करवट ली है ये कहीं ना कहीं काफी राहत भरी बात है। जी बिल्कुल प्रवीण, अगर बात की जाए मौसम विभाग की, तो कितने दिन तक ये बारिश जारी रहने वाली है, कुछ ऐसी खबर? जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया था कि अभी कुछ राज्यों में जो है गर्मी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में अचानक से आई, यानी बादल तो काफी समय से घटा जो छा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं एकाएक बारिश हो जाना तो थोड़ी राहत की सांस तो ली है दिल्ली वासियों ने और गाजियाबाद वासियों ने। तो कहीं ना कहीं अब जो है आगे के जो राज्य है, यानी जो जिन पर अभी भी संकट मंडराया हुआ है, क्योंकि वहां पर अभी येलो अलर्ट जारी करा है, धूप यानी लू और धूप के कारण लोगों को खासा परेशानी हो रही है। हो सकता है कुछ समय में, यानी कह सकते हैं कि 24 घंटे या 48 घंटे में वहां भी तापमान जो है वो भी ठंडा देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां भी धीरे धीरे जो मौसम है वो भी अपनी करवट लेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए।
चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। यूपी बिहार में हीट वेव का कहर जारी है, जहां पर भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। बलिया में 4 दिनों में 57 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में पिछले 24 घंटे में 44 लोगों की मौत हुई है, जबकि सबसे ज्यादा मौत पटना में हुई है। पटना में गर्मी से 35 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है बलिया, जहां पर देश के 5 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बलिया में कि अगर बात करें तो अब तक गर्मी से 57 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में पिछले 24 घंटे में 44 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ ये भी जानकारी आपको दे दें कि सबसे ज्यादा मौतें पटना में हुई है। पटना में गर्मी से अब तक की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर 35 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी बलिया पहुंची है, और इस दौरान आपको बता दें कि हीट वेव को लेकर देश के 5 राज्यों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि हीट वेव को लेकर यूपी बिहार में हीट वेव को लेकर उसका जो कहर है वो लगातार जारी है। इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, और बलिया में अगर बात की जाए तो 4 दिनों में 57 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ बिहार में भी पिछले 24 घंटे में 44 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा मौतें पटना में हुई है। आपको बता दें कि पटना की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर जो मौतों का आंकड़ा है वो 35 लोगों तक पहुंच चुका है। और साथ ही ये भी जानकारी आपको दे दें कि स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो बलिया पहुंची है, और इसी के साथ देश के 5 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर यूपी बिहार में हीट वेव का कहर जारी है, और इस दौरान आपको ये भी जानकारी दे दें कि भीषण गर्मी से लोग काफी परेशान हैं, और इसी के चलते हीट वेव की वजह से लोगों की मौत हो चुकी है। बलिया की अगर बात करें तो 4 दिन में 57 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सिद्धार्थ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, अगर यूपी की बात करें तो कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर बारिश हो रही है, लेकिन हीट वेव को लेकर लगातार मौतों का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अब तक कहां तक ये आंकड़ा पहुंच पाया है? देखिए, आपको बता दें, पूरी यूपी में लगभग जो है सबसे ज्यादा मौतें बलिया में हुई हैं, और कहीं ना कहीं बलिया में लगातार मौतें हो रही हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं शासन पूरे मामले को लेकर सतर्क हो गया। शासन ने इसके लिए जांच टीम भी बैठा दी है। अभी जो प्रथम दृष्टिया जांच में निकल कर सामने आ रहा है, उसमें ज्यादातर मौतें ऐसी हुई है जो पुरानी बीमारी से ग्रसित थे, जो जब कल जो जांच हुई है तो कहीं ना कहीं। लेकिन एक चीज तो ये मानना ही होगा, जो भी मौतें हो रही है वो केवल हीट वेव के कारण ही ज्यादा हो रहे हैं। जिस तरीके से गर्मी ज्यादा पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं यूपी में लगातार कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर भी मौतें हो रही हैं। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, अगर बात की जाए तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि राहत चलते लोगों को इस हीट वेव से थोड़ी सी राहत मिल सके, ऐसे कुछ इंतजाम नजर आए हैं? देखिए पंकज, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, जो जिले हीट वेव के अंतर्गत है उसमें लगातार शासन द्वारा ये लोगों को सतर्क किया जा रहा है, और ये लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है कि बहुत जरूरत हो तभी घरों से बाहर निकलें, और कहीं ना कहीं पानी की व्यवस्था की जा रही है, और अस्पताल में भी त्वरित इलाज किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको ज्यादा दिक्कत हो रही है, जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है उनको कहीं ना कहीं ज्यादा परेशानी, जो शुगर से ग्रसित है उनको कहीं ना कहीं जो पहले से किसी को मॉडरेट बीमारी से ग्रसित है उनको कहीं ना कहीं ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो अभी तक जो मौतें हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं ये भी एक कारण था कि वो पहले किसी बीमारी से ग्रसित थे, और उसके बाद कहीं ना कहीं उनको हार्ट अटैक आ गया तुरंत। क्योंकि तापमान जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से हीट वेव हो रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो बीमार लोग हैं उन पर इसका असर देखने को मिला। सिद्धार्थ हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। लखनऊ से ही इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों को किया गया है अलर्ट जारी। लू डायरिया की बीमारियों को लेकर सतर्कता के भी निर्देश दिए गए हैं। संक्रामक बीमारियों को लेकर सतर्कता के भी निर्देश जारी किए गए हैं। दवा इमरजेंसी को और बेहतर बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मी एक एक मरीज की करेंगे निगरानी। बलिया में मौतों के बाद देवरिया प्रतापगढ़ में भी कई मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को भेजा गया है बलिया। रिपोर्ट के बाद जिम्मेदारों पर सख्ती से होगी कार्रवाई। जल निगम और स्वास्थ्य विभाग पानी की भी कर रहा है जांच। जिस गांव में ज्यादा मौतें हुई हैं वहां भेजी जा रही है टीम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार गर्मी की वजह से जो मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर अब प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों में किया गया है अलर्ट जारी।
चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, महाराष्ट्र से बड़ी खबर, जहां पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है। भारत में मुसलमान औरंगजेब के वंशज नहीं है, फडणवीस की तरफ से कहा गया है। औरंगजेब और उनका वंश बाहर से आया था, देश के मुसलमानों ने औरंगजेब को कभी स्वीकार नहीं किया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर लगातार हो रही राजनीति को लेकर एक बार फिर से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का जो बयान है वो सामने आया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान जो है वो सामने आया, उन्होंने कहा है कि भारत के मुसलमान औरंगजेब के वंशज नहीं है, औरंगजेब और उनका जो वंशज है वो भारत का नहीं है, देश के मुसलमानों ने औरंगजेब को कभी भी स्वीकार नहीं किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है। भारत के मुसलमान औरंगजेब के वंशज नहीं है, ये कहा गया उनकी तरफ से। औरंगजेब और उसका वंश बाहर से आया था, देश के मुसलमानों ने औरंगजेब को कभी स्वीकार नहीं किया। चले रुक करते एक और बड़ी खबर का, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर आज बड़ी बैठक होने जा रही है। विस्तारकों से मांगी जा गई है 14 हारी हुई सीटों की रिपोर्ट, बीजेपी 2019 में हारी हुई सीटों पर रिपोर्ट की ये तलब की जाएगी। लोकसभा सीटों पर भेजे गए विस्तारकों से रिपोर्ट तलब की जाएगी। 14 लोकसभा सीटों पर विधानसभा बार भेजे गए थे विस्तारक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आज बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर बड़ी बैठक होगी, इस बैठक में मंथन किया जाएगा। जहां पर बता दें कि बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर आज बड़ी बैठक होने जा रही है। विस्तारकों से मांगी गई है 14 हारी हुई सीटों पर रिपोर्ट, बीजेपी 2019 में हारी हुई सीटों पर ये रिपोर्ट जो है वो तलब की जाएगी। और साथ ही 14 लोकसभा सीटों पर विधानसभा बार भेजे गए हैं बीजेपी मुख्यालय में वाली बैठक में रिपोर्ट पर भी बड़ा मंथन किया जाएगा। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी के बीच सीट को लेकर फंसी है बात। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीधे फाइनल के बाद आधिकारिक गठबंधन की होगी घोषणा, जहां पर राजभर के प्रभाव का आकलन करने के बाद तय होंगी सीटें। बीजेपी राजभर की भूमिका पर कर रही है अध्ययन, बीजेपी सुभाषपा के बीच गठबंधन को माना जा रहा है तय। राजभर की ओर से 2 से 3 सीटों पर की गई है दावेदारी, जल्दी दोनों दलों के नेताओं की दिल्ली में बैठक की संभावना है। पूर्वांचल के 28 लोकसभा सीटों पर राजभर का दबदबा है। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी और सुभाषपा के बीच के जो गठबंधन की बात है, अभी भी सीटों को लेकर कहीं ना कहीं ये बात फंसी हुई है। सीटें फाइनल के बाद आधिकारिक गठबंधन की भी घोषणा तय हो जाएगी, और इसके बाद आपको बता दें कि राजभर के प्रभाव का आकलन कर रही है इस समय पर बीजेपी, और जल्द ही दिल्ली में भी इसको लेकर बैठक हो सकती है। बीजेपी सुभाषपा के बीच गठबंधन की जो बात है वो लगातार अब तय हो चुकी है, जल्दी दोनों दलों के नेताओं की दिल्ली में बैठक होने की भी संभावना है। पूर्वांचल की 28 लोकसभा सीटों पर अगर बात की जाए तो राजभर का दबदबा है, और इसी के तहत हो सकता है कि बीजेपी और सुभाषपा के बीच में गठबंधन हो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सिद्धार्थ मेरे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सिद्धार्थ, अगर बात की जाए बीजेपी की और सुभाषपा की, क्योंकि दोनों के सुर बराबर मिलते नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब ये जो गठबंधन है 2024 की तैयारी इसमें लग रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं राजभर और बीजेपी काफी नजदीक आ चुके हैं। लगातार राजभर जिस तरीके से बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है, कि और औपचारिकताएं मात्र बची हुई हैं। जो हमारे सूत्र बताते हैं, लगभग 2 से 3 सीटों पर राजभर को देने की तैयारी कर रही बीजेपी। और एक ही सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो पूर्वांचल का एरिया है, उसमें चाहे मछली शहर की बात कर लें, चाहे जौनपुर की बात कर लें, आजमगढ़ की बात कर लें, घोसी विधानसभा क्षेत्र, वहाँ कहीं ना कहीं राजभर की काफी दबदबा देखने को मिला है। और तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी चाहती है कि गठबंधन हो जाए, और राजभर भी पूरी तरीके से इस गठबंधन को लेकर अब तैयार है। ये आने वाले समय में निश्चित होगा कितनी बिल्कुल सीटों क्योंकि पर सिद्धार्थ, अगर पूर्वांचल की बात की जाए, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का दबदबा वहां पर रहता है, तो एक बड़ी टक्कर देखने को मिलती है अगर सुभाषपा और बीजेपी का गठबंधन होता है। तो
देखिए बिल्कुल, कल जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी एक बयान दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना था कि आज राजभर जितनी भी सीटें जीते हैं उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का हाथ है, और कहीं अगर वो बीजेपी के साथ चले भी जाते हैं तो समाजवादी पार्टी का बहुत नुकसान नहीं होगा। अभी तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसका नुकसान होगा किसका फायदा, लेकिन इस समय जो मौजूदा हालात है उसमें राजभर बीजेपी के काफी नजदीक है, और दिल्ली में जल्द ही इनके बड़े नेताओं से बीजेपी की मुलाकात होगी। उस मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं निश्चित हो जाएगा कि राजभर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और राजभर ने लगभग 2 से 3 सीटें ऐसी हैं लोकसभा की जिस पर उन्होंने अपनी दावेदारी की है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि बिल्कुल, लेकिन सिद्धार्थ अगर बात की जाए, अब बीजेपी जो है पूरी तरीके से चुनावी मैदान में आ चुकी है, क्योंकि वो अब 2019 में जिस तरीके से जहां जहां से सीटों से हारी थी उसको लेकर भी मंथन करने वाली है, तो क्या लगता है क्या सुभाषपा अगर बीजेपी के साथ में आती है तो क्या उसे फायदा होगा, एक बड़ा फायदा होता हुआ नजर 2019 के मुकाबले? देखिए बिल्कुल, आप उसको देख सकते हैं जब वो समाजवादी पार्टी के साथ जब भी राजभर गए हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को इसका फायदा मिला है। आप फैजाबाद की बात करने, लगभग 2 से 3 सीटें ऐसी है जहां पर गढ़ होने के बावजूद बीजेपी का समाजवादी पार्टी ने सीट जीती, तो कहीं ना कहीं इसमें राजभर वोट बैंक का भी काफी दबदबा है। ये मानना होगा कि राजभर के वोट बैंक जिसके साथ जाता है उसकी सीटें बढ़ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी ये फायदा है। ये बीजेपी का जो थिंक टैंक है वो भी इस चीजों को जान रहा है, तो इसलिए राजभर और बीजेपी काफी नजदीक है, जल्द ही ये घोषणा हो सकती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का, लखनऊ से ही बड़ी खबर सामने आ रही जहां पर बीजेपी का जनसंपर्क अभियान और अभियान के तहत बीजेपी आयोजित करेगी लाभार्थी सम्मेलन। बदायूं, आगरा, हरदोई, मिर्जापुर, मथुरा, एटा में होगा सम्मेलन। मांड, फिरोजाबाद, किशनी, बिसौली और बिसलपुर नगर में भी होगा सम्मेलन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर अब बीजेपी पूरे तरीके से चुनावी मैदान में, और इस दौरान बदायूं, आगरा, हरदोई, मिर्जापुर, मांड, फिरोजाबाद और बिसौली, बिसलपुर नगर में भी इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जहां पर आपको बता दें कि बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, और इस दौरान ये भी जानकारी आपको दे दें कि बीजेपी का जनसंपर्क अभियान जो है वो शुरू हो चुका है, और अभियान के तहत बीजेपी आयोजित करेगी लाभार्थी सम्मेलन, और इस लाभार्थी सम्मेलन के जरिए से ही वो अब साधने की कोशिश करेगी, जहां पर अलग अलग जिलों में पहुंचेगी और इस अभियान के तहत लाभार्थियों को इस दौरान वो साधने की पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी। तो बीजेपी का जनसंपर्क अभियान और इसी के तहत इस अभियान के बीजेपी आयोजित करेगी लाभार्थी सम्मेलन। बदायूं, आगरा, हरदोई, मिर्जापुर, मथुरा, एटा में होगा ये सम्मेलन। मांड, फिरोजाबाद, किशनी, बिसौली, बिसलपुर में भी इस ये जो सम्मेलन है वो आयोजित किया जाएगा। लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही जहां पर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार का बड़ा कदम में नियुक्त किए गए हैं नोडल अधिकारी। नोडल अधिकारी समस्याओं का करेंगे समाधान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर लखनऊ से ही बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, इसको लेकर आपको बता दें कि बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए सरकार का बड़ा कदम। हर जिले में नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी हैं और ये अधिकारी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। साथ ही बता दें कि सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए। सरकार का बड़ा कदम, हर जिले में नियुक्त किए गए हैं नोडल अधिकारी और इस दौरान ये सभी नोडल अधिकारी करेंगे समस्याओं का समाधान। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लखनऊ से जहां पर आपको बता दें कि बिजली आपूर्ति को लेकर सरकार की तरफ से अब बड़ा कदम उठाया जा रहा है। चले रुक करते एक और बड़ी खबर का, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही जहां पर यूपी में 8 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। निलजा बज्जा चौधरी को जेसीपी अपराध कानून कमिश्नरेट बनाया गया है, जहां पर आकाश कुलहरी को जेसीपी अपराध लखनऊ बनाया गया है, रविशंकर छवि को डीआईजी लोक शिकायत लखनऊ और बबलू कुमार को अपर पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर, पवन कुमार को पुलिस उपायुक्त प्रयागराज, अमित वर्मा को अपर पुलिस आयुक्त और कानपुर। साथ ही आपको बता दें कि सुनीति को डीसीपी गौतम बुद्ध नगर, नरेंद्र पांडे को डीसीपी प्रयागराज बनाया गया है। बीजेपी मुख्यालय में होने वाली बैठक में रिपोर्ट पर मंथन होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से जहां पर आपको बता दें कि इस दौरान
यूपी में 8 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। नीलावजा चौधरी को जेसीपी अपराध बनाए इस दौरान उनके पद मिला है। और साथ ही बता दें कि रविशंकर छवि को डीआईजी लोक शिकायत लखनऊ बनाया गया है। बबलू कुमार को अपर पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर बनाया गया है। पवन कुमार को पुलिस उपायुक्त प्रयागराज, अमित वर्मा को अपर पुलिस आयुक्त कानपुर और सुनीति को डीसीपी गौतम बुद्ध नगर और साथ ही नरेंद्र पांडे को डीसीपी प्रयागराज की जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चले रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर मणिपुर में हिंसा जारी और इम्फाल और साथ ही कांगपोकपी जिले की सीमाओं पर हुई है झड़प। कुकी समुदाय के लोगों पर आरोप है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर मणिपुर में हिंसा जारी है, इम्फाल और कांगपोकपी जिले की सीमाओं पर अभी भी झड़प हुई है। कुकी समुदाय के लोगों पर आरोप लगा है। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा के पास ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि मणिपुर में अभी भी हिंसा लगातार जारी है। इसको लेकर बता दें कि इम्फाल और कांगपोकपी जिले की सीमाओं पर झड़प हुई है। कुकी समुदाय के लोगों पर आरोप लगा है। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा के पास ये घटना बताई जा रही है। चले रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही। अयोध्या के संत राजूदास ने किया है समर्थन, फिल्म आदि पुरुष का किया है समर्थन, टुकड़े टुकड़े गैंग कर रही विरोध। संत राजूदास का यह बयान सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, फिल्म आदि पुरुष का राजूदास ने समर्थन किया है। बड़ी खबर हम आपको अयोध्या से बता रहे, जहां पर अयोध्या के संत राजूदास ने किया है समर्थन, आदि पुरुष फिल्म का समर्थन किया है राजूदास ने। और इस दौरान आपको बता दें कि टुकड़े टुकड़े गैंग कर रही है विरोध। संत राजूदास ने ये कहा है कि इस फिल्म का अगर कोई विरोध कर रहा है, वहीं अयोध्या से संत राजूदास ने किया है फिल्म आदि पुरुष का समर्थन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमित मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से बात की जाए हिंदुत्व की, तो कहीं ना कहीं आदि पुरुष जो फिल्म है उसको लेकर विरोध देखने को मिला है, लेकिन दूसरी तरफ जो राजूदास है संत, वो इसका समर्थन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो आदि पुरुष की फिल्म विवाद, जब से इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ उसी के बाद इसका विवाद बढ़ गया था, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में इस पिक्चर का विरोध किया जा रहा था। तो वहीं आज राजूदास ने इस पिक्चर का समर्थन करते हुए कहा कि ये वो वामपंथी दल है जो कि लोग जो एक फिल्म बनती है, जैसे कुछ फिल्म बन के आई थी उसी को लेकर उसका विरोध नहीं कर रहे, पर इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो डायलॉग है वही जो है कुछ है जिसको लेकर जो इस फिल्म के राइटर है उन्होंने उसको सही करने की बात कही है जी। लेकिन हमें अगर बात की जाए डायलॉग से ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं वो हमारे जो रामायण है उससे कहीं पर भी मैच नहीं खाते हैं, तो उसको लेकर आखिरकार राजूदास जैसे संत अगर समर्थन कर रहे हैं, बाकी सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल, अब यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश में इस फिल्म का विरोध हो रहा है, तो वहीं राजूदास जो है समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इस पिक्चर को देखा है, कहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और जो बात है वो कहीं ना कहीं कुछ बात जो डायलॉग है उसको लेकर जो है उन्होंने कहा था, तो उसको लेकर जो फिल्म के जो राइटर है उन्होंने इस बात को माना है कि इसमें जो है जो शब्द यूज किए डायलॉग है उसको कहीं ना कहीं हटाने की बात कही गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ में खुद संत राजूदास जी जुड़ चुके हैं। राजूदास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। जी बताएं राजूदास जी, जिस तरीके से बाकी अगर समुदाय की मैं बात करूं हिंदू संगठन में, वो लोग इस पूरी फिल्म का विरोध कर रहे हैं क्योंकि ऐसे डायलॉग्स हैं जो रामायण से या फिर जिस तरीके से हनुमान ने बोले हैं उस पर कहीं ना कहीं मैच नहीं खाते हैं, आप उसका समर्थन कर रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि जिसके डायरेक्टर हैं लोगों से वार्ता से यह निकल के आई कि जो कुछ शब्द हैं जिस पर हमने भी इतराज किया था उन्होंने सुधार करने की बात कर दी, वो सब उससे हटा देंगे। नंबर एक। नंबर दो, मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से जो रामचरितमानस फाड़ने की बात करते हैं, जलाने की बात करते हैं, प्रतिबंध करने की बात करते हैं, जो लोग हमारी देवी देवताओं को मुंह में सिगरेट डाल देते हैं, उसके बाद देखिए कि पिक्चर हॉलों में जिस प्रकार से मूवी बनी है उस पर क्या क्या नहीं हो रहा है, तो
इस पर किसी ने विरोध नहीं किया। आज जिस प्रकार से वो लोग रामचरितमानस फाड़ने जलाने जो हमको बोको हराम आईएसआई तालिबान से जोड़ देते, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों ने मेरे ऊपर ट्वीट किया और उसने कहा कि राजू दास आतंकवादी कहाँ जल गए, अब क्यों नहीं बोलते, तो उन्होंने तो माफी मांग लिया ना। मनोज मुद्दस्सिर ने कहा कि मुझको लगता है कि हमने गलती किया है, जिसको मैं सुधार कर रहा हूँ, दो दिन में सुधार कर दे रहा हूँ। आखिर ये अपने अंदर ये लोग सुधार करते, जो लोग राम को काल, जो लोग साधु संतों को आतंकवादी, जो लोग राम को काल्पनिक, जो लोग रामायण फाड़ने जलाने प्रतिबंध की बात करते हैं, वो लोग माफी क्यों नहीं मांगते, विषय यह है। लेकिन किस प्रकार से, हाँ जी, लेकिन राजू दास जी अगर बात की जाए, क्यों आखिरकार जितने भी हमारे हिंदुओं के ग्रंथ हैं उन्हीं को लेकर इस तरीके की फिल्म बनाई जानी, फिर उसके बाद में इस तरीके से उनको शब्दों को हटाया जाना, क्या इस मर्यादा को बनाए रखना जरूरी नहीं है? नहीं, हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो भी पिक्चर बनाने वाले लोग हैं सनातन की टारगेट क्यों करते हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ हवस का पुजारी, गुनाहों का देवता, गुनाहों का कोई देवता हो सकता है क्या, हवस का कोई पुजारी हो सकता है क्या? आप देखिए पिक्चरों में कि अगर कोई ना होता है तो तिलक लगाया, पूजा, उसके बाद उसकी हत्या कर, तो ये सारे चीज दिखाए जाना, ये शुद्ध रूप से सनातन को टारगेट करना है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये इससे पिक्चर बनाने वालों को सीख लेगा कि अब अगर सनातन के बारे में जरा सा भी छेद किया तो हिंदू जनमानस बर्दाश्त नहीं करेगा। आप देखिए पूरे देश में सनातनी आग बबूला हो चुके हैं, और अभी तो कल जब उन्होंने माफी मांग लिया तो थोड़ा सा कंट्रोल है, नहीं तो जो स्थिति हो पाती वो सुधार मतलब संभालना दिक्कत हो जाती। बिल्कुल राजू दास जी, आप इस फिल्म का तभी समर्थन कर रहे हैं जब उसमें से डायलॉग्स हटा दिए जाएंगे? नहीं, उनसे मेरी बात, उन्होंने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि मैं हटा दूंगा, 3 दिन के अंदर आपको ये चीज हटा मिलेगा, इसीलिए आप इस फिल्म का समर्थन कर रहे हैं? जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महंत राजू दास जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम तरीके की आपने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो देखिए फिल्म आदि पुरुष का अगर बात करें तो संत राजू दास जी उसका समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने अभी हमारे साथ भी जुड़े थे, उन्होंने तमाम जो बातें हैं वो हम तक रखी हैं। इस समय में पूरे देश में जिस प्रकार से आदि पुरुष के नाम पर वामपंथी, कट्टरपंथी जो कभी रामचरितमानस फाड़ने जलाने प्रतिबंध करने की बात करते थे, जो पिक्चरों में ये हवस का पुजारी, इस प्रकार के देवता, इस प्रकार से ऐसे ऐसे पिक्चर, माँ काली के मुख में सिगरेट पकड़ा देना, जैसे भगवान शंकर को लैट्रिन में ढूंढना, भगवान को गली गली में ढूंढना, ऐसे करके पिक्चर बनाते थे, तब मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग तो कभी नहीं बोलते थे, लेकिन आदि पुरुष में जिस प्रकार से एक पिक्चर है, वो रामचरितमानस रामायण सीरियल नहीं है, पिक्चर एक मूवी बनाया है, लेकिन उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिस शब्द को लेकर कुछ आपत्तियां हैं। मनोज मुंशी जी ने कहा कि मैं इसको सुधार कर लेता हूं, लेकिन जिस प्रकार से कट्टरपंथी वामपंथी गैंग एक्टिव हो गया है, मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग, तब मुंह आपका सिल जाता है, तब तो आप नहीं बोल पाते हो, क्यों नहीं बोलते, तो एक साजिश है और इस साजिश से आप सतर्क होइए। तो मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया, नमस्कार।